ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। एंड इन टुडे क्लास आई एम गोइंग टू सॉल्व ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजाइन एज वेल एज एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा केयरफुली है जो पढ़ना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा होता है कि साइलेंट पॉइंट होता है ना। साइलेंट पॉइंट कहने का मतलब है कि उसका वैल्यू है जो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, है ना। यानी जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू आपको IS 89084 से क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, है ना। वहाँ से आपको कोड से वैल्यू है जो एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। कह रहा है कि डिटरमिन द रिवेट वैल्यू, क्या निकालना है, डिटरमिन द रिवेट वैल्यू ऑफ एन 80 mm डायमीटर पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट। यही साइलेंट पॉइंट हो गया, पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट विच कनेक्ट्स टू 8 mm प्लेट्स वन ऑन आइदर साइड ऑफ हीट इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, है ना। सो ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें देखिए क्या है, लैप ज्वाइंट है, ये लैप ज्वाइंट है और क्या है, डबल सीयर में है, इसमें है डबल सीयर में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, डबल सीयर में है, ठीक है। जो आपका मेन प्लेट है उसका थिकनेस 12 mm दिया हुआ है और जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस कितना है, 8 mm है, उसकी थिकनेस कितना है, 8 mm है। दूसरी बात कि यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक एक वर्ड है आपको देखना है क्वेश्चन में कि पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की बात बोल रहा है या फिर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की बात बोल रहा है ना। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की बात बोल रहा है, इसका मतलब टाउ वी एफ का वैल्यू क्या हो गया बताइए। अगर शॉप रिवेट होता तब तो 100 होता, लेकिन कितना हो गया, ये फील्ड रिवेट है तो 10% क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 MPa। एंड मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात कि बेरिंग स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा बीएफ, बेरिंग स्ट्रेस कितना होगा, ऐसे तो 300 होता है, ऐसे कितना होता है, 300, तो कितना हो जाएगा, 10% रिड्यूस कर देंगे यानी 30 रिड्यूस हो जाएगा, कितना बचेगा, 270 मेगा पास का। ज्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू आपको दे देगा, नहीं तो आपको याद भी रखना चाहिए, आपको याद भी रखना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें, ग्रॉस डायमीटर निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे, है ना, क्या करेंगे, ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे। सो ग्रॉस डायमीटर जो क्रॉस डाया होगा उसको क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल डाया, और चूंकि 18 mm है जो 25 mm से कम है तो 1.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 80 + 1.5 कितना हो जाएगा, 19.5 mm, 19.5 mm, है ना, 19.5 mm, ठीक है। दूसरी बात कि देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का एक प्रॉपर जो खाका है ना, एक जो खाका है वो आपका माइंड में आ जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, पहले आपको सोच लेना होगा, ऐसा नहीं कि बिना सोचे है जो कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर दिए, है ना, तो एक दो स्टेप लिखने के बाद आप है जो चुप हो जाएंगे एकदम। जैसे इसमें पूछा है रिवेट वैल्यू, तो आपका माइंड में आना चाहिए कि रिवेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना होगा, फिर बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना होगा, फिर दोनों में जो मिनिमम आएगा उसको क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो एक प्रॉपर खाका है जो आपके माइंड में क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपका दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालें, अब निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट किसे डिनोट करते हैं, इसको पीएसए डिनोट कर देते, किसे डिनोट कर देते, पीएसए, ठीक है। तो क्या होगा बताइए,
चूंकि यहाँ पे डबल शेयर में है, यहाँ पे क्या है डबल शेयर में, पहला गलती यही करेंगे आप, सीधा लिख देंगे पाई बटा फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है, गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या है डबल शेयर में है, तो क्या लिखें टू, ये टू किसके लिए शेयर प्लेन के लिए, चूंकि यहाँ पे दो शेयर प्लेन है, टोटल शेयर प्लेन कितना है दो है ना, एक आपका ये हुआ दूसरा आपका ये हुआ, तो टू इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी एफ इंटू टाउ भी एफ इज इक्वल टू कितना, टू इंटू पाई बाई फोर इंटू डी कितना 19.5, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, होल स्क्वायर इंटू टाउ भी एफ कितना 90, क्योंकि क्या है फील्ड रिबेट है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 53729, 53729, 53729, लेकिन ध्यान रहे किसमें आएगा न्यूटन में आएगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 53.73 किलो न्यूटन, 73 किलो न्यूटन, ठीक है। ये तो हो गया आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड क्या निकालेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जब निकालेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इसको कैसे डिनोट करते थे पीवी से, पीवी से क्या होता था डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी एफ या पी एफ है ना, बी एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि ये जो टी का वैल्यू है वो क्या लेंगे, टी का वैल्यू आप क्या लेंगे है ना, टी का वैल्यू आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, यहाँ यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे, तो जो चीज़ आप मिस्टेक करने वाले हैं उसको हम बता देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ के लिए, टी क्या होगा, टी होगा मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ बताए थे क्या, यहाँ देखिए दो प्लेट है जो 8 mm का है और एक है जो 12 mm का है ना, 8 mm का है और एक 12 mm का है, तो 8 + 8 और 12 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 16 और 12 और 12, तो दोनों में मिनिमम क्या हो गया 12 mm, यानी बेयरिंग है जो किसके बेसिस पे निकाला जाएगा, मेन प्लेट के बेसिस पे यहाँ पे निकाला जाएगा है ना। चलिए तो टी का वैल्यू निकल गया, तो निकाल देते हैं, दिस इंप्लाई पी बी इजकल टू डी कितना है 19.5 इंटू टी कितना है 12 इंटू सिग्मा बी एफ कितना है 270, 270 आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग, आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग 63180, 63180 वाट इन न्यूटन, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से आपको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो यह आ जाएगा 63.18 क्या किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन। चलिए नाउ अब क्या करें, रिवेट वैल्यू निकालें, नाउ नाउ रिवेट वैल्यू तो किसे लिखे थे आरबी से लिखे थे, तो आरबी क्या होता है मिनिमम ऑफ पीएस कॉमा पीबी, वेरी सिंपल, दोनों में जो मिनिमम होगा वही आरबी होगा है ना, ये पीबी है, ये आपका पीबी है, पीबी, सो आरबी क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ पीएस कितना आया था, पीएस आया था 53.73,
53.73, पीवी आया 63.18। ये दोनों में हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में मिनिमम 53 आ जाएगा। मिनिमम दोनों में क्या है, 53 है ना, यही मिनिमम है ना। तो आ गया 53.73 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ये क्या हो गया, आरपी हो गया। यही आपको पूछ रहा था एक क्वेश्चन में, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, आंसर हो गया। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको बोल देता कि इस ज्वाइंट के थ्रू हमें 100 किलो न्यूटन लोड ट्रांसफर करना है। इस ज्वाइंट के थ्रू हमें 100 किलो न्यूटन क्या करना है, लोड को ट्रांसफर करना है। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ कितना आप, मिनिमम कितना रिवेट है जो आप इसमें लगाएंगे, मिनिमम कितना रिवेट है जो आप लगाएंगे। बहुत सिंपल है, कल मैं बताया था कुछ, है ना। सपोज कीजिए ये जो पी का वैल्यू है ना, वो 100 किलो न्यूटन है। कितना है, 100 किलो न्यूटन है, मतलब 100 किलो न्यूटन हमको इस ज्वाइंट से क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट चाहिए वो हमें निकालना है, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड n मान लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बटा, कल बताए थे रिवेट वैल्यू, है ना। तो टोटल फोर्स कितना है, 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बटा आर भी 53.73 किलो न्यूटन, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.86। बट ध्यान रहे, आप मिस्टेक करेंगे, 1.86 क्या है, फ्रैक्शन है, जबकि रिवेट का नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं। रिवेट का नंबर कभी भी, चूंकि नंबर नेवर बीन फ्रैक्शन, है ना, नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है, लेकिन एक तो हम दे नहीं सकते। तो कितना देना पड़ेगा, हमें कितना देना पड़ेगा, मिनिमम दो देना पड़ेगा, क्योंकि एक देंगे तो कितना ट्रांसफर करेगा, 53.73, जबकि हमको ट्रांसफर कितना करना है, 100 किलो न्यूटन। तो हमें मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 100 किलो न्यूटन लोड को ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम रिवेट कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ रिवेट भी पूछता है, है ना। तो रिवेट वैल्यू निकाल लिए, नंबर ऑफ रिवेट भी निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंगल सेक्शन ऑफ 6 mm थिक, थिकनेस कितना एंगल सेक्शन का, 6 mm है, कैरिंग ए लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, कितना लोड है, 50 किलो न्यूटन, इज टू कनेक्टेड विद ए प्लेट ऑफ 10 mm, कितना mm से प्लेट, एंगल सेक्शन को कितना mm प्लेट से कनेक्ट करना है, 10 mm से, थिक बाय लैप ज्वाइंट, कौन सा यूज कर रहा है ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। तो एक एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या है, लैप ज्वाइंट है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 50 mm डायर रिवेट्स, कहता है कि 15 mm का कितना रिवेट्स चाहिए, है ना। टेक टाउ भी अब दिया हुआ 77। अब देखिए जब क्वेश्चन में दे देता है शेयरिंग का परमिसिबल वैल्यू ऑफ शेयरिंग और परमिसिबल वैल्यू ऑफ बेयरिंग, तो वही लेना है, फिर आप कोड को भूल जाइए, क्योंकि आपको बोल दिया कि आपको इतना ही लेना है, तो वही लेकर चलेंगे, ऑब्वियस बात है। सो टाउ बी एफ दिया हुआ 77 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और सिग्मा बी एफ दिया हुआ है आपको 154.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैप ज्वाइंट है, क्या है, लैप ज्वाइंट है। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ये बोल क्या रहा है, है ना। सपोज कीजिए कि ये आपका एंगल सेक्शन है, ये क्या है आपका, ये क्या है, एंगल सेक्शन है, है ना, ये क्या हो गया, एंगल सेक्शन हो गया। अब इस एंगल और एक क्या है, एक प्लेट है, एंगल सेक्शन है। अब क्या कर किया है, दोनों को इस तरह से क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश किया है, इस तरह से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, है ना, इस तरह से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, है ना, प्लेट में।
तो रिवेट चाहिए, यहाँ 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 क्या चाहिए, रिवेट चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, है ना। अब देखिए, सो हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ रिवेट निकालना है ताकि हम 50 किलोन्यूटन लोड को क्या कर सकें, सेफली है जो ट्रांसफर कर सकें, सेफली है जो ट्रांसफर कर सकें। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस डाया निकालेंगे। ग्रॉस डाया कितना दिया हुआ है, प्रोसीजर तो वही होगा, रिवेट वैल्यू निकालेंगे और लोड में क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस डाया निकाल लेते हैं। अगर ग्रॉस डाया निकालेंगे डी तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 15 mm 25 mm से कम है तो क्या करेंगे 1.5 ऐड करेंगे। कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था ये वाला, है ना, 15 + 1.5 कितना हो जाएगा 16.5 mm, 16.5 mm, है ना। चलिए अब क्या निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट निकालें फर्स्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, ऑफ वन रिवेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लैप जॉइंट में है, किसमें है, ये लैप जॉइंट में है ना, ये किसमें है, लैप जॉइंट में है ना। तो लैप जॉइंट में है तो क्या होगा, सिंगल शियर में होगा, क्या होगा, सिंगल शेयर में है। जैसे एक कोई सपोज कीजिए प्लेट है, इसी में क्या है, आई सेक्शन है, इसी में क्या है, एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन को जोड़ा गया है, ठीक है। एंगल सेक्शन को जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहां यहां रिवेट लगेगा, यहाँ पे ये सब क्या लगेगा, रिवेट लगेगा। अब कितना लगेगा हमको नहीं पता, वही हमें निकालना है। इधर फोर्स इसमें लगा रहे हैं P, और यहाँ पर भी फोर्स क्या लगा रहे हैं, इधर से P लगा रहे हैं। जब एंगल सेक्शन को आप ड्रा करेंगे तो ऐसा ही ड्रा करेंगे, है ना, ऐसे ही ड्रा करना होगा, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ रिवेट लगेगा यहाँ पे, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें नहीं पता कितना लगेगा, अभी हम इसको निकालेंगे, ठीक है। ये आपका प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है 10 mm का, और एंगल से का जो थिकनेस है इसका कितना है, 6 mm। हमें पी का हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, क्योंकि सिंगल शेयर में है ना, तो 1 × π/4 × d² × tau भी है, ठीक है। सो इसको पी एस से डिनोट करते हैं, सो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 16.5 है, इंटू टाउ भी है, टाउ भी का वैल्यू 77 है, 77। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 18.52 किलो न्यूटन। दशमलव के बाद वैल्यू इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है ना, कोई पाई बाई फोर का वैल्यू 0.785 ले लेगा, कोई पाई का वैल्यू रखेगा फिर फोर से डिवाइड करेगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्या निकालें, आप बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालें, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इसको डिनोट किया था किससे, पीवी से, क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बीएफ, ठीक है। नाउ टी, टी का वैल्यू क्या होगा बताइए, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डबल सीयर में भी नहीं है और वर्ड ज्वाइंट भी नहीं है, ये क्या है, लैप ज्वाइंट है और सिंगल सीयर है। तो देखिए टी बराबर क्या लिखेंगे आप, मिनिमम ऑफ एक है जो 6 mm का है और दूसरा है जो 10 mm का है, तो दोनों में मिनिमम कौन होगा बताइए, दोनों में मिनिमम कौन होगा, 6 mm, कौन होगा 6 mm। तो पीवी का वैल्यू निकालें आप, इसको रफ के लिए अलग कर देते हैं, पीवी बराबर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका माइंड में। सो डी, डी कितना हो गया 16.5,
इंटू टी का वैल्यू कितना हो गया 6 mm, इंटू सिग्मा बी एफ कितना दिया हुआ है 154.5। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 1 मिस्टेक हो गया है। ये जो रिवेट का डाया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 mm, कितना दिया हुआ है 16 mm दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 16 mm हो गया, आपका नॉमिनल डाया कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में 16 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो जब वो 16 है तो यहाँ पर भी करेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी है जो आपका करेक्शन हो जाएगा, इसको आपको सुधार लेना है। ये हो जाएगा कितना 16 + 1.5 17.5 mm, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 17.5 mm, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 17.5 mm, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया है सही कैलकुलेट किया है ना, ये 17.5 से ही इतना वैल्यू आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग कैलकुलेशन भी करते जाएं, आप खुद भी कैलकुलेशन कीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दशमलव के बाद। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 16.22 किलो न्यूटन, सो रिवेट वैल्यू क्या हो गया बताइए। इसीलिए रिवेट वैल्यू जो आरवी होगा वो क्या होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा, तो दोनों में मिनिमम क्या है बताइए, दोनों में मिनिमम क्या है, एक आया 16.22 और एक आया 18.52, तो दोनों में मिनिमम क्या हो गया 16.22 किलो न्यूटन, है ना, 16.22 किलो न्यूटन। नाउ हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवेट्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट्स। सो नंबर ऑफ रिवेट्स को मान लेते हैं कि n है, तो n क्या हो जाएगा P/Rv। टोटल फोर्स कितना दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन डिवाइडेड बटा आरवी कितना आया है 16.22। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 3.08। नाउ कितना रिवेट आप प्रोवाइड करेंगे, है ना, 3 या 4, इससे कम तो कर ही नहीं सकते, जैसे ही आप भावनाओं में बह के 3 रिवेट दिए, आप क्या करेंगे 3.08, यानी ये 3 के आसपास है, तो आप क्या प्रोवाइड कर देंगे, 3 प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3.08 से होना कम होना ही नहीं चाहिए, और रिवेट का नंबर क्या होता है, नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, 4 प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं समझ लीजिए, है ना। सो एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, दिस इज राइट आंसर, है ना। चलिए यही निकालना था, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है कि ए सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, क्या है डबल कवर बट जॉइंट, इज यूज टू कनेक्ट 2 प्लेट्स ऑफ 16 mm थिक यूजिंग 20 mm पावर ड्रिवेन रिवेट एट ए पिच ऑफ 16 mm, पिच कितना दिया 60 mm, फाइंड द सेफ लोड पर पिच लेंथ एंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। हमें निकालना है सेफ लोड पर पिच लेंथ, मतलब आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है, किसके बेसिस पे, पर पिच लेंथ, क्योंकि यहाँ पे विड्थ ऑफ द प्लेट के बारे में कुछ नहीं बोला, और जब मैं कल बताया था कि यदि विड्थ ऑफ प्लेट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, हम पर पिच लेंथ के लिए डिजाइन, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे, पर पिच लेंथ के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिर्फ इसका थिकनेस 16 mm, है ना, कवर प्लेट का थिकनेस नहीं दिया हुआ, ये कवर प्लेट का थिकनेस मैं निकाला हूँ, है ना, कवर प्लेट का यदि थिकनेस निकालेंगे सेफ लोड ट्रांसफर के लिए, कवर प्लेट का यदि थिकनेस आप निकालना चाहें तो T बराबर क्या होता है,
फाइव बाई एट इंटू टी मेन मिनिमम, मेन प्लेट का मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों प्लेट का, चाहे इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, दोनों का क्या है, सेम है। अगर दोनों अलग अलग होता तो दोनों में जो मिनिमम होता वो वैल्यू यहाँ पे लेते, है ना, लेकिन दोनों सेम है, कोई बात नहीं। सो फाइव बाई एट इंटू टी मेन कितना है, 16, तो कितना आ गया, 10 mm, 10 mm ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी एग्जाम में आता है ना। सो थिकनेस ऑफ कर्व प्लेट कितना आ गया, 10 mm आ गया। तो ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फाई दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है कितना, 20 mm। सो डी कितना हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर 20 + 1.5, हाउ मच, 21.5 mm। चलिए अब देखिए पिच कितना दिया हुआ है, पिच कितना दिया हुआ, पिच का वैल्यू दिया हुआ 60 mm, पिच का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 mm, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीयर, सीयर, सीयर में क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले सीयर, सीयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, यहाँ पे आप क्या गलत करेंगे, देखिए सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है ना, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 rivet है, कितना है, 1 rivet है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितना है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितना है, 2 है, पर प्लेट की हम बात करते हैं। मैंने बताया था किसके लिए डिजाइन करते हैं, पर प्लेट के लिए डिजाइन करते हैं ना। तो नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखें, 2 लिखें, 2 इंटू फाइव बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। चूंकि ये दिया हुआ है क्या, पावर ड्रिवन रिवेट है ना, और कुछ नहीं बोला है तो क्या मानते हैं, सॉफ्ट रिवेट मानते हैं, सॉफ्ट रिवेट है ना। तो कुछ नहीं माना है तो सॉफ्ट रिवेट मानते हैं, तो सबका वैल्यू पुट करें अब। सो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू फाइव बाई फोर इंटू डी 21.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ भी एफ कितना, 100, एच पर आई एस 800 9084, 100 याद तो किए थे, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट के, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट के लिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 72.61 किलो न्यूटन, क्या बात है। अब आगे बढ़ें, सेकेंड, सेकेंड है बेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ऑफ रिवेट है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक रिवेट के लिए क्यों निकाले, एक रिवेट के लिए क्यों निकाले, क्योंकि पर पिच यदि हम बात करते हैं, पर पिच यदि हम बात करते हैं तो कितना रिवेट आएगा, एक ही रिवेट आएगा, आधा इधर से आएगा और आधा इधर से आएगा, और एक क्या हो गया, पर पिच हो गया, जो कि दिया हुआ है पी बराबर कितना, 60 mm, है ना। चलिए सो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे तो क्या होगा, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी एफ। सो पी भी क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सर टी का वैल्यू क्या लें, टी का वैल्यू क्या लें, है ना। तो सबसे पहले तो टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, टी का वैल्यू निकाल देते हैं, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, टी बराबर क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ सम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो एग्रीगेट थिकनेस 10 + 10 कितना, 20 है ना, और मेन प्लेट, मेन प्लेट कितना है, 16, तो दोनों में मिनिमम कितना हो गया बताइए, 10 10 20, और यहाँ 16, तो दोनों मिनिमम क्या हो गया, 16 हो गया। तो टी का वैल्यू कितना लेंगे, 16 लेंगे, चलिए बहुत अच्छा। तो कितना हो गया, डी 21.5
इंटू 60 इंटू सिग्मा बी एफ कितना 300, सिग्मा बी एफ कितना 300, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 103.2, 103.2 किलो न्यूटन। बहुत अच्छा, चलिए अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेफ लोड पर पिच लेंथ, सेफ लोड पर पिच लेंथ, मतलब मैं बताया था कि सेफ लोड पर पिच लेंथ बोले है ना, इसका मतलब क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच निकालना है ना, तो उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, यानी पीएस पीबी और पीटी, पीटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजों माइंड में आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि हमको निकालना क्या है, अब क्या निकालेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है ना, इसको डिनोट किया था किससे, पीटी से है ना, इसको डिनोट किया था पीटी से। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, पीटी क्रिटिकल सेक्शन, पीटी कहाँ पे निकालते हैं, क्रिटिकल सेक्शन पे, तो क्रिटिकल सेक्शन तो सर यही होगा, यही क्रिटिकल सेक्शन देगा है ना, ये क्या देगा, सॉलिड प्लेट देगा, ये क्या देगा, सॉलिड प्लेट देगा है ना, तो इसको 1-1 मान लेते हैं और इसको 2-2 मान लेते हैं, यानी 1-1 क्या देगा हमारा, टेयरिंग पीटी देगा है ना, 1-1 क्या देगा, पीटी देगा, 1-1 का वैल्यू कितना होगा, पी माइनस हाफ रिवेट इधर से, हाफ रिवेट इधर से कितना, डी, यानी कितना हो जाएगा 1-1 सेक्शन पे नेट एरिया, बताइए है ना, पीटी बराबर क्या हो जाएगा, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट कहां से आएगा, सेक्शन 1-1 से आएगा, तो कितना हो जाएगा, पी माइनस होल डायमीटर डी इंटू थिकनेस टी इंटू सिग्मा एटी, बहुत सिंपल है, तो पी कितना है 60 माइनस 21.5 इंटू टी, थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है बताइए, थिकनेस 16 mm, 16 mm इंटू सिग्मा एटी। अब देखिए, सिग्मा एटी यदि नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है बताइए, 0.6 इंटू f बाई, और f बाई कितना होता है 250, ये सब वैल्यू बताया हुआ पहले, 0.6 इंटू f बाई, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा ए टी क्या होता है 0.6 इंटू f बाई, बहुत पहले बताए थे, जमाना हो गया है ना, फर्स्ट 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 यूनिट में, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 92.4 किलो न्यूटन, 92.4 किलो न्यूटन। तो पीएस निकल गया, पीबी निकल गया, पीटी निकल गया है ना, पीटी निकल गया, तो सेफ लोड पर पिच लेंथ निकाल सकते हैं, इसीलिए सेफ लोड पर पिच लेंथ निकाल सकते हैं है ना, सेफ लोड पर पिच लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, क्या होगा, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, या फिर यूं कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, तो तीनों में मिनिमम क्या है बताइए, 92.4 यहाँ पे है, 92.4 है, यहाँ पे 103.2 है, यहाँ पे 72.61 है, तो कितना आ गया 72.61 किलो न्यूटन। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सेफ लोड पर पिच लेंथ, दूसरा निकालना एफिशिएंसी, दूसरा क्या निकालना है, एफिशिएंसी ईटा, ईटा निकालना है, तो ईटा क्या होता है बताइए है ना, ईटा होता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कितना है 72.61 आ गया, बट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यहां निकाल देता हूं, यहां देख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट
सॉलिड प्लेट पर पिच, पर पिच ये कहाँ से आएगा? सेक्शन 22 से आएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, यही होगा ना? पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी मतलब 60 इंटू 16 इंटू कितना, 0.6 इंटू 250। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 144, 144 किलोन्यूटन, 144 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 144 लिख दें, 144 लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो ये आ रहा है आपको, ये कितना आ रहा है, 50.42%, 50.42%, बहुत सिंपल है, 50.42%। तो ये तो था एक क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है फाइंड द सुटेबल पिच, क्या निकालना है सुटेबल पिच फॉर द सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, कितना थिकनेस दिया हुआ है 10 mm थिक प्लेट बाय 20 mm डाया रिवेट, 20 mm डाया रिवेट है ना, यही है। इसका थिकनेस कितना है, 10 mm है, इसका थिकनेस कितना है, 10 mm है, यहां भी कितना है, 10 mm है। हमें क्या निकालना है, पिच का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, पिच का वैल्यू निकालना है, पिच का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालें, एक ही रिवेट है, देखिए चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, शियर स्ट्रेंथ और रिवेट निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, पीएस चूंकि यहां पे सिंगल सिंगल शियर में है, तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर। अब डी डायरेक्ट लिख दें, डी कितना होगा बताइए, 21.5 हो जाएगा, 20 में 1.5 ऐड करेंगे तो 21.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ भी है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो क्या लेंगे आप, 100 लेंगे, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट लेंगे, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट लेंगे, तो कितना होता है, 100 होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 36.31, 36.31 किलोन्यूटन। नेक्स्ट दो में क्या निकालें, पीवी निकालें, पीवी निकालते हैं, क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, डी इंटू टी, अब तो समझ में आ गया होगा सिग्मा बी है, तो डी कितना है, 21.5 इंटू टी कितना है, टी कितना है, 10 है, इंटू सिग्मा बी एफ कितना, 300, 300, हाउ मच यू आर गेटिंग, 64.5, 64.5 किलोमीटर, बहुत अच्छा। अब देखिए तो रिवेट वैल्यू क्या हो गया, रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अगर रिवेट वैल्यू निकालें, रिवेट वैल्यू आर भी, दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों में मिनिमम क्या है, 36.31, ये आपका क्या हो गया, रिवेट वैल्यू हो गया है ना। अब कुछ याद आ रहा है, पिच निकालने के लिए क्या बोले थे, पिच निकालने के लिए बोले थे नाउ टू कैलकुलेट पिच टू कैलकुलेट पिच क्या बोले थे, पीटी शुड बी लेस देन इक्वल टू आर भी, याद है, पीटी शुड बी लेस देन इक्वल टू आर भी है ना। और पीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, इंटू सिग्मा ए टी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू आर भी है ना, आर भी है ना। अब देखिए लेस देन इक्वल टू आर भी, हमें किसका वैल्यू निकालना है, पी, पी का वैल्यू है जो निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू है जो निकालना है, तो पी
माइनस डी कितना 21.5 इंटू थिकनेस कितना 10 इंटू सिग्मा एटी कितना 0.6 इंटू एफ बाई है ना इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं सोल्व करने के लिए इक्वेशन को, आर भी कितना आया है 36.31। सिर्फ एक ही अननोन है, क्या है, पिच है, तो यहां से आपको पिच निकल जाएगा वो आ रहा है 45.7 mm। अब देखिए आप इतना मेहनत किए क्वेश्चन बना लिए है ना, आप क्या करेंगे, आंसर आ गया आप खुश हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और फट से फर्स्ट ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक कर देंगे, फर्स्ट फट से आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, इतना मेहनत के बावजूद गलत हो जाएगा, कैसे हैं, बिकॉज बट, अब देखिए कैसे गलत हो जाएगा, बट क्या क्या गलती कर सकते हैं सब यहीं पे क्लियर करना है, बट एज पर आईएस 800 1984 पी मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर है ना, 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर, तो क्या हो जाएगा बताइए, पी मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू कितना 20, यानी पी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 50, पी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 50 एम। अब बताइए अब आंसर क्या हुआ, जो कैलकुलेट किए वो हुआ या ये हुआ, यानी मिनिमम तो 50 होना ही चाहिए, मिनिमम 50 होना ही चाहिए है ना इक्विटी होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 50 होगा है ना, आंसर क्या होगा 50 होगा। सो दो नंबर का ही क्वेश्चन था, बीएस का ऑब्जेक्टिव था है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात कि एसएससी जेई का मेंस का क्वेश्चन है ना, एसएससी जेई का ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है एसएससी जेई का, कितना मार्क्स का है, 2015 का क्वेश्चन है, कितना 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे 10 मिनट में सॉल्व करते हैं आप देखिएगा है ना, सबसे पहली बात कि मार्क्स जब देखते हैं 40 मार्क्स तो स्टूडेंट का दिमाग में एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है ना, कि अरे 40 नंबर में पूछा है जरूर कुछ खास होगा इसमें, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ भी खास नहीं होता, जो भी आप बेसिक पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा है ना, सो मार्क्स पे आपका मतलब साइकोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन करके, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है कि सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट, क्या है, लैप ज्वाइंट है, एक एक चीज को टिक करना है, इज यूज टू कनेक्ट 12 mm थिक प्लेट्स 12 mm थिक प्लेट्स बाई प्रोवाइडिंग 12 mm डायर रिवेट्स, 20 mm का रिवेट यूज कर रहा है एट 50 mm पिच। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वैल्यू है आप टिक कर लीजिए, ये आपका 12 mm है, कितना है 12 mm है, ये भी कितना है 12 mm है, ठीक है, पिच का वैल्यू दिया हुआ है पी, कितना दिया हुआ है पिच का वैल्यू दिया हुआ है 50 mm, वेरी गुड। डिटरमिन द, और क्या दिया हुआ, नॉमिनल डायर दिया हुआ है, नॉमिनल डायर दिया हुआ है 20 mm, बहुत अच्छा। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट निकालना है ना, फिर ज्वाइंट एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट निकालना है, दिया हुआ है टेकिंग वर्किंग स्ट्रेस इन शियर, मतलब टाउ बी एफ दिया हुआ 80 है ना, उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस इन बेयरिंग सिग्मा वी एफ दिया हुआ है 250, अब जितना दिया हुआ उतना ही लेंगे है ना, वर्किंग स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन सिग्मा 80 दिया हुआ है 156 है ना, ये सब वैल्यू दिया हुआ है, सब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करना है, बेसिक तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे विथ ऑफ प्लेट नहीं दिया हुआ है, विथ ऑफ प्लेट है जो नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको हथियार यूज करना पड़ेगा, कौन वाला, पर पिच लेंथ वाला। तो हम क्या करेंगे, जो भी कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ कैलकुलेट करेंगे, पर पिच लेंथ में, तो मान लेते हैं यही आपका पिच है, यही क्या है आपका पिच है ना, इस क्वेश्चन को एज इट इज मैं क्वेश्चन पेपर से फोटो खींच कर जो यहाँ पे लगा दिया हूँ, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए है ना, बिलीव हो जाए है ना कि पूछता है। चलिए ये क्या है, पिच है, दो रिवेट के बीच का दूरी को सेंटर पिच बोलते थे, कितना दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ,
50 mm दिया, इसको कट के अलग कर ले, ठीक है। चलिए अलग कर लेते हैं कट के। अब यहां पे देखिए दो सेक्शन बनाने जा रहा हूं, एक सेक्शन तो आपका ए हो गया और एक सेक्शन ए हो गया। इसको वन वन बोल दें, इसको टू टू बोल दें। टू टू से सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ आएगा, वन वन से क्रिटिकल सेक्शन आएगा, ठीक है। और एक कितना हुआ है, एक कितना है, 50 है, 50 है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट निकालें, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, चूंकि आधा इधर से आएगा और हाफ इधर से आएगा, पर पिच लेंथ यदि कैलकुलेट करेंगे तो वन रिवेट। तो सबसे पहले निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट दैट इज पीएस। क्या होता है, सिंगल शियर है, सबसे पहला तो यहीं पे ध्यान से देखना है, क्या है, सिंगल शियर है लैप जॉइंट, वन इंटू फाइव बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाओ भी है, सबका वैल्यू पुट कीजिए, फाइव बाई फोर इंटू डी का वैल्यू कितना 21.5 इंटू टाओ भी अब कितना दिया हुआ है, टाओ भी अब दिया हुआ है 80, जो दिया हुआ है वही पुट करना है 80। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 29.04, 29.04 किलो न्यूटन। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या निकालें, बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पीबी, पीबी क्या हो जाएगा बताइए, बताइए डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी एफ बराबर डी 21.5 इंटू टी थिकनेस, थिकनेस 12 mm है ना, इंटू 250। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64.5, 64.5 किलो न्यूटन। चलिए थर्ड है ना, चूंकि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है तो हमें पीएस पीबी और पीटी भी निकालना पड़ेगा। तीसरा क्या होगा, टियरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, बोथ आर सेम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको किसे डिनोट किए थे, पीटी से। आप देखिए टेंसाइल और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कहां से आएगा, सेक्शन वन वन से आएगा, नेट सेक्शन है ना। फॉर्मूला क्या होता था, ए नेट इनटू सिग्मा ए टी, ए नेट क्या होगा पी माइनस डी, तो पी कितना है 50, डायरेक्ट लिख देता हूं 50 माइनस डी 21.5 इंटू टी थिकनेस कितना है 12 इंटू सिग्मा ए टी, सिग्मा ए टी का वैल्यू क्या है, सिग्मा ए टी का वैल्यू है 156। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 53.352 किलो न्यूटन। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं है ना। अब देखिए नाउ नाउ सबसे पहला पूछा था आपको क्या, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालें, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होगा, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी पीटी, ठीक है। तो तीनों में मिनिमम क्या है बताइए, एक आया 29.04, दूसरा आया आपको 64.5 और तीसरा आया आपको 53.352, मिनिमम क्या है 29.04 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। चलिए तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, मतलब 20 नंबर का काम हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर और लेना है ना, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के लिए। तो क्या होगा, जब
एफिशिएंसी निकालने जाएंगे उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सो नाउ नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इसको किसे डिनोट किए थे, पी सॉलिड। सो पी सॉलिड क्या होता था बताइए, पी सॉलिड कहां से आएगा, सेक्शन 22 आएगा, सेक्शन 22 से क्या होगा, सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ आएगा, है ना। तो क्या होता था, पी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। सो पी कितना है, 50 है, टी कितना है, 12 है, सिग्मा एटी कितना है, 156 है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ए आ रहा है 93.6 किलोन्यूटन। नाउ लास्ट, इसीलिए इफिशियंसी ईटा बराबर व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ लिखना ना भूलें, क्योंकि जो भी आपने कैलकुलेशन किया है पर पिच के लिए कैलकुलेशन किया, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना था, 29, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 29.04 डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना आया, 93.6 है ना, इंटू 100, हाउ मच यू आर गेटिंग 31.03। क्या बात है, तो इतना आप यदि कर देते हैं तो आपको 40 के 40 मार्क्स से जो आ जाएगा, है ना। सो 10 मिनट का खेल है, टोटल 300 मार्क्स का मेंस होता है, 300 में एक क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ह्यूज वेटेज है ना, आपका वेटेज है जो काफी अच्छा खासा है, इसीलिए कनेक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये तो था हमारा आज के क्लास के बारे में, है ना। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन को आपको सही से आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका क्या निकालना है, आंसर है जो इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम वेट करेंगे आपका आंसर का। अब देखिए आज क्या है, टीचर्स डे है ना। सो बहुत सारे लोग दूसरे मेरे कॉलेज का तो स्टूडेंट लोग हमें विश किया ही, साथ ही साथ दूसरे कॉलेज का भी हमें फोन करके या मैसेज करके है जो विश किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं दिल से है जो धन्यवाद बोलना चाहूँगा, है ना। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू रहिए, जितना भी हमसे हो सकेगा आपके लिए उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से, है ना। सो चूंकि मैं जब टीचिंग लाइन में आया था तो काफ़ी मतलब कुछ दिमाग में सोचकर ही आया था, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पैसे की पर्पज से या पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आया था, ऐसा नहीं है ना। टीचिंग लाइन में आने से पहले मैंने काफ़ी है जो थिंकिंग किया था इसके लिए, ठीक है। सो मेरा बस इतना ही है कि चूंकि आप देखिए जो शहरी इलाका के बच्चे हैं, जो शहरी में है, जो अर्बन एरिया में है, उसको है जो हेल्प करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाता है ना, लेकिन जो आपका ग्रामीण एरिया में है, जो रूरल पॉपुलेशन है हमारा, हमारे बिहार की बात करें या फिर हमारे इंडिया की बात करें, है ना, उसको बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए है जो मैं आप लोगों को मतलब हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे काफ़ी मतलब छोटे छोटे गांव से आते हैं, है ना, तो जो भी बच्चे हैं जो काफ़ी छोटे छोटे गांव से आते हैं, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़ी बड़ी सपनों लेकर है जो मतलब बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो उसको एक मतलब उसके सपनों को उड़ान देने के लिए जो भी मेरे तरफ से बनेगा, है ना, जो भी मैं कर सकता हूँ आप लोग के लिए, वो मैं ऑनलाइन माध्यम से या फिर फिजिकल क्लास में मैं करते रहूँगा आप लोग के लिए, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। तो हमेशा आप लोग क्या रहिए, कनेक्टेड रहिए इसे, जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप लीजिए। सो ये तो था टीचर्स डे के बारे में। दूसरी बात कि अभी एक है जो कॉम्पेन आप लोग चला रखे हैं, है ना, स्पीक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे, है ना, स्पीक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे। तो देखिए इसके इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक मिनट आपका टाइम लूंगा, इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि नो डाउट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इसी कंट्री के लोग हैं, है ना। सो गवर्नमेंट में नो डाउट बहुत प्रॉब्लम है,
हमने भी उस चीज को जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत ही फेस किया था, जल्दी वैकेंसी नहीं आती थी या फिर आती भी तो बहुत कम आती थी, है ना। लेकिन जितना भी वैकेंसी आती है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है ना। मैं आपको फिजिकल क्लास में भी बताया था कि ओनली ऑल ओवर इंडिया 15 सीट था, उसमें मैंने अपना स्थान बनाया था, है ना। 15 ही सीट था उसमें अपना स्थान बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद है जो बिहार में आया तो यहाँ पर तो सीटें कुछ थी, है ना। यहाँ तो मान ली कि सीटें अच्छा अच्छा खासा था, मतलब ठीक है, 50-60 के आसपास। लेकिन आप लोग को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग विरोध कीजिए, विरोध करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है। अरे एक एक वैकेंसी को क्लियर होने में 4 से 5 साल लग जाता है, तो प्रॉब्लम तो है सिस्टम में, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आपका बिहार का जिस वैकेंसी वैकेंसी के थ्रू मैं आपका कॉलेज में आया हूँ, वो 2014 का वैकेंसी था, 16 में एग्जाम हुआ, 17 में रिजल्ट निकला, और आपका 18 में है जो उसका 18 लास्ट में है जो आपका क्या हुआ, मतलब रिटर्न इंटरव्यू होते होते आपको 18 लास्ट में आपका ज्वाइनिंग मिला। मतलब एक एग्जाम को टोटल क्लियर करने में गवर्नमेंट को 4 साल लग जाता है, जो कि काफी मतलब गलत बात है ना। 1 साल मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा है ज्यादा, ठीक है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप लोग को मैं एक सच्चाई बताना चाहूंगा कि विरोध करना सही बात है, इसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ, है ना। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि दिन रात विरोध करने के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को लॉस कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है ना। ऐसा नहीं कि 2 घंटे जो फेसबुक पे बिता रहे हैं, 2 घंटे ट्विटर पे बिता रहे हैं, 4 घंटा यूट्यूब पे कहीं लाइव हो रहा है, स्पीक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे, वहां जाके देखने लग गए, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट है मोस्टली फ्रेशर है ना। और फ्रेशर है इसका मतलब अभी उसको एग्जाम की जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसका एग्जैक्ट डेट आने में या फिर फॉर्म भरने में अभी काफी टाइम है, 1-2 साल उसका टाइम है, ठीक है। 1 साल तो एटलीस्ट है ही। सो आपको अपना कंक्लूजन कहने का मतलब मेरा यह है कि आप है जो अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप विरोध के चक्कर में अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और दिन रात है जो आप विरोध करने में ही लगे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए, है ना। आप विरोध कीजिए, एक बार विरोध आपने किया, सारा ट्विटर फेसबुक जो भी है यूट्यूब है सबके सबके थ्रू आपने आवाज उठाया और वो आवाज है जो गवर्नमेंट तक पहुंच भी गया है ना, ये बहुत अच्छी बात है ना। सो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई पे अपने कंसंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि अभी का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये तो मेरा एक सजेशन था, है ना, एक सजेशन था जो आपको, मुझे लगता है आपको मानना चाहिए, है ना। सो अब नेक्स्ट क्लास में है जो डिस्कस करेंगे आगे। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप लोगों को, है ना, और मेरे तरफ से आप सबको भी टीचर्स डे के हम बहुत सारे शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई एक टीचर है ना। आप जहाँ पे भी जिस भी ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे आपके रिलेटिव के बच्चे होंगे, उसको आप क्या करें, जब भी घर जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, घर जाते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आपके जी आधा आधा घंटा 1 घंटा है जो उसको आप कुछ ना कुछ बताइए, है कि नहीं। तो आप भी एक टीचर हैं, ऐसा बात नहीं है, हर इंसान में एक टीचर्स का गुण होता है ना। इसीलिए जब भी मौका मिले आप दूसरे को एजुकेट कीजिए, है ना, जैसे मैं आप लोग को कर रहा हूँ, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।